गुरु प्यारी सत्संग जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए निरंकार जी। आज का टॉपिक है केवल निरंकार से जुड़िए। प्यारी सत्संग जी, ये निरंकार हर पल हर घड़ी हमारे साथ रहता है। निरंकार के सिवा हमेशा कोई साथ में नहीं रहता है। हम जहां भी जाते हैं निरंकार साथ में होता है, निरंकार पास होता है। निरंकार के सिवा और कोई हमेशा साथ नहीं देता है। सब साथ छोड़ के जाएंगे। इस संसार में जितने भी हमारे दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, कोई कितना भी खास हो, सब साथ छोड़ के जाएंगे। एक दिन अकेले रह जाएंगे, सारे नाते रिश्ते टूट जाएंगे। जब साथ कोई नहीं होता तो केवल निरंकार होता। केवल निरंकार से जुड़िए। आस न रखना माया ऊपर, आस न रखना बंधों पर, आस न रखना संबंधों पर, आस न रखना धंधों पर, आस न रखना बुद्धि बल पर, सूझो और पढ़ाइयों पर, घर बार और बेटे बेटी, दौलत और कमाइयों पर। कहे अवतार आस इक रब की, कन कन रहा समाए जो, रमे राम का लो आसरा, पूरा गुरु बताए जो। गुरु निरंकार पूरा ही है। परमात्मा के सिवा और कोई पूर्ण नहीं है। सर्वशक्तिमान है ये। हर पल हर घड़ी केवल इसका ही सहारा लेना है। निरंकार का लो आधार, जीवन हो गुरुमत अनुसार। सारा संसार जो है स्वार्थ के कारण ही प्रीत करता है। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, इस दुनिया की यह रीति। संगी साथी सब मतलब के, सिर्फ एक गमखौर गुरु। दुनिया के सब रिश्ते झूठे, सच्चा रिश्तेदार गुरु। धन दौलत ढलती छाया, अचल रहे दातार गुरु। बाकी सभी सहारे झूठे, सच्चा है पतवार गुरु। ऐसे सदगुरु को जो पूजे, उसकी शान निराली है। कहे अवतार गुरु बिन सब कुछ लगता खाली खाली है। गुरु के बिना कोई साथी नहीं है। धर्मराज के मंदिर का साथी है केवल गुरु निरंकार। निरंकार के सिवा और कोई काम नहीं आता। ये दुनिया पास आती है केवल अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए। बिना स्वार्थ के केवल परमात्मा ही प्यार करता है। निरंकार के सिवा और कोई सच्चा प्यार नहीं करता। परमात्मा सबका है। परमात्मा के दरबार में कोई भेदभाव नहीं होता। परमात्मा के लिए सब सेम है। परमात्मा के दरबार में जो आता है, सद्गुरु कृपा से इस ब्रह्म को जान जाता है, इस निराकार को जान जाता है, ईश्वर को पहचान जाता है, फिर ईश्वर उसका साथी बन जाता है। सद्गुरु जान पहचान करवा देते हैं कि यही हरि है, ईश्वर निरंकार है, अंग संग है। जैसे मछली पानी के अंदर रहती है, तो वैसे ही हम सब इस निरंकार के अंदर रहते हैं। ये अंग संग है। सद्गुरु इसको महसूस कराते हैं। सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, मन और बुद्धि के बाहर है। अकला सोचा पहुंच न सकड़, मेहरा दिव्य हद्दी ते। मेहर करे जे आप स्वामी, रंग बहाले गद्दी ते। कि मन और बुद्धि हमारी सोच के परे है, हमारी सोच से बाहर है। ये इसका अनुभव किया जाता है। सदगुरु कृपा से इसका अनुभव होता है। अनुभव गम भजन जी संता। जब इसकी अनुभूति होती इस निराकार की, तो अपने अपने अनुभव संत महात्मा देते हैं। जिसको जितना अनुभव होता है वो अपने अनुभव को साझा करते हैं। और संत ही विश्वास देते हैं। जो पक्के संत होते हैं, विश्वासी संत होते हैं, जिनका अकीदा ईमान मजबूत होता है निरंकार पे, वही विश्वास दे सकते हैं। जिसका विश्वास ही कमजोर है वो क्या विश्वास देगा। तो क्या होता है कि हमारा विश्वास कमजोर पड़ जाता है। हम अभी कच्चे हैं, हम अभी अधूरे हैं। तो पक्के संतों का संग करना पड़ता है, जो बिल्कुल पूर्ण
संत होते हैं, पक्के संत, जिनका पक्का विश्वास है इस निरंकार पर। हम सबका विश्वास अभी अधूरा ही है। दास अपनी ही बात करता है, कभी कभी दास भी कंफ्यूज होता है। कुछ ऐसे हालात जब लाइफ में आते हैं तो दास भी कभी कभी डामाडोल हो जाता है, लेकिन फिर जो आप संत होते हैं, जो महान संत होते हैं ना, विश्वास देते हैं। आप विश्वास को पक्का करते हैं कि निरंकार है, सर्वशक्तिमान है, सब जानता है, ये अंतर्यामी है, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानते, सब जानता है। ये अंग संग है, इसको सब पता है। अगर जीवन में जो भी घटना घट रही है सब इसको पता है, ये रखवाला है। लेकिन हमारा विश्वास कमजोर पड़ जाता है, हमारा ईमान डोल जाता है। थोड़ी भी कुछ ऐसी ऊंच नीच, कोई ऐसी घटना हो गई, हम घबरा जाते हैं, निराश होते हैं, उदास होते हैं, हताश होते हैं, बहुत नर्वस हो जाते हैं, टेंशन में आते हैं, चिंता परेशानी में आते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास कमजोर है। अगर हमें चिंता है, परेशानी है, कोई टेंशन है, तो हम दुख में आकर, दुखी होकर गिला शिकवा शिकायत करते हैं परमात्मा से। और जो गिला शिकवा शिकायत करता है, मतलब उसका विश्वास कमजोर है। अगर हम चिंता कर रहे हैं, मतलब हमारा विश्वास कमजोर है, परमात्मा पे हमको भरोसा नहीं है। अगर चिंता, टेंशन, परेशानी लेके बैठे हैं, तो मतलब अभी तक हमारा निरंकार पर विश्वास नहीं है। तो बात है विश्वास की। विश्वास कैसे आएगा? जब हम पूरी तरह से निरंकार में खो जाएंगे ना, डूब जाएंगे, तल्लीन हो जाएंगे निरंकार में, तब जाकर विश्वास आएगा। और जो विश्वासी जन होते हैं, जो पक्के संत होते हैं, हमें शुक्राना ही करते हैं, जो हर पल जिनके लबों पे मुस्कुराना, शुक्राना और मुस्कुराना रहता है ना, मतलब उनका विश्वास पक्का है निरंकार पे। चाहे सुख आए, दुख आए, हर हाल में उनका विश्वास मजबूत होता है, पक्का विश्वास होता है, अटूट विश्वास होता है परमात्मा पे, क्योंकि वो केवल निरंकार के साथ जुड़ते हैं। जो थोड़ा संसार से जुड़ गया, फिर थोड़ा निरंकार के साथ जुड़ गया, तो फिर वो डामाडोल रहता है, दो नाव में पैर रखेंगे तो डूब जाएंगे। पूर्ण विश्वास, तू पूर्ण परमात्मा, तू अंतर्यामी, पूरा का पूरा विश्वास होना चाहिए परमात्मा पे, अधूरा विश्वास नहीं। कि जो भी हो रहा है, जो घटना घट रही है, निरंकार कर रहा है, पूरा विश्वास इसे कहते हैं। कि जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, जो भी हो रहा है, सब परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, इसे कहते हैं अटूट विश्वास, अटल विश्वास। जब परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो हमारे साथ अगर कोई घटना हो गई, तो ये भी परमात्मा की ही मर्जी है, चाहे मन चाहा हो, चाहे अनचाहा हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, यह अटूट विश्वास। विश्वास को मजबूत बनाना पड़ेगा। इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। बात है विश्वास की, पूर्ण विश्वास की। और विश्वास देते हैं पक्के संत, हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं, क्योंकि वो केवल निरंकार के साथ जुड़ते हैं। जो केवल निरंकार से जुड़ता है, वो बहुत मजबूत होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, कभी डामाडोल नहीं होता। तथा कृपा करें सभी का विश्वास परमात्मा पे बन जाए, अटूट विश्वास आ जाए परमात्मा पे, हर हाल में हमारा अटूट विश्वास कायम रहे। तथा सब पे कृपा करें, और दास को भी आशीर्वाद दीजिए कि जितना पक्का मजबूत विश्वास आप सभी संतों का है, तो इस निरंकार दातार पे दास दास का भी विश्वास अटूट रहे, दास का विश्वास पक्का हो जाए, विश्वास बढ़ता ही रहे। यही अरदास प्रार्थना है सद्गुरु माता जी के पावन चरणों में, कि सद्गुरु माता जी सबको शक्ति देना, सबको भक्ति देना, सबको विश्वास देना, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।